आज हम बनाएंगे ऐसी रेसिपी जो कि बच्चे व बड़े सभी के लिए हेल्दी व न्यूट्रिशन से भरपूर है, खाने में बहुत टेस्टी होती है। सर्दियों में या बरसात में कई कारणों से हम बीमार पड़ जाते हैं, वीक हो जाते हैं, तो ये अगर आपने खाना शुरू कर दिया तो आपका इम्यूनिटी सिस्टम अंदर से स्ट्रांग होगा और बार बार बीमार भी नहीं पड़ेंगे। कम से कम इसे एक महीना कंटिन्यू खाना चाहिए। 25 से 26 न्यूट्रिशन इसमें डलते हैं। यकीन मानिए, हजारों बीमारी पास नहीं आने देती, बहुत सारी प्रॉब्लम दूर हो जाती है। नमस्कार दोस्तों, मम्मी किचन में आपका स्वागत है। चलिए शुरू करते हैं बनाना। हमने यहाँ पर ड्राई फ्रूट के कितने क्वांटिटी में हमने यहाँ पर लिया है वो दिखाएंगे आपको। यहाँ पर 250 ग्राम मैंने छुआरे लिए हैं, इन्हें मैंने छोटे छोटे टुकड़ों में काट कर रखा है। 200 ग्राम पिस्ता लिए है, इसका छिलका निकाल रखा है, और 250 ग्राम अखरोट लिया है, इसके ऐसे ही बड़े बड़े टुकड़े लिए हैं। यहाँ पर मैंने 250 ग्राम काजू लिए हैं, छोटे छोटे टुकड़ों में काट रखा है, और ये मैंने 200 ग्राम किशमिश लिए हैं, इन्हें भी छोटे छोटे टुकड़ों में काट था, और यहाँ पर मैंने 250 ग्राम काली किशमिश ले रखी है, इन्हें नहीं काट रखा है। यहाँ पर मैंने एक कटोरे अंजीर लिए हैं, इनको ऐसे ही तोड़ रखे थे। ग्राम में ये 200 ग्राम है, और एक कटोरा मखाना लिया है। अब यहाँ पर मैंने 250 ग्राम बादाम लिए हैं, इनको मैंने इस तरीके से छोटा छोटा काट रखा है, और 100 ग्राम मैंने कद्दू के बीज लिए हैं, और 100 ग्राम मैंने खरबूजे के बीज लिए हैं, और 2 बड़े चम्मच सौंफ ली है, 1 से 1.5 चम्मच अजवाइन लिया है। यहाँ पर मैंने 50 ग्राम नारियल लिया है, इसे मैंने कद्दूकस किया है, आप चाहें तो बारीक काट भी सकते हैं। 100 ग्राम यहाँ पर मैंने कमरकस लिया है, कमरकस नाम से ही पता चल रहा है कि इसे कमर दर्द व जोड़ों का दर्द ठीक होता है। और 100 ग्राम यहाँ पर गूंद लिया है, 2 बड़े चम्मच मेथी ली है, इसे मैंने रोस्ट करके पीस रखा है। अब यहाँ पर मैंने 2 बड़े चम्मच इलायची पाउडर लिया है, 1 चम्मच सफ़ेद मिर्ची ली है, और 1 चम्मच काली मिर्ची ली है, और यहाँ पर 2 चम्मच सौंठ का पाउडर लिया है। सौंठ को मैंने बारीक कूट रखा है। यहाँ पर मैंने 1 किलो सूजी ले रखी है, सूजी आपको बारीक लेनी है। अगर आपकी सूजी मोटी हो तो एक बार मिक्सी ग्राइंडर में पीस लें। और यहाँ पर मैंने 400 ग्राम चीनी ली है, चीनी को मैंने ग्राइंड कर लिया था, आप चाहें तो चीनी की जगह देसी खांड का भी इस्तेमाल कर सकते हो, इसका बिल्कुल पाउडर बनाना है। अब हम सभी ड्राई फ्रूटों को फ्राई कर लेंगे। इसके लिए सबसे पहले मैंने एक लोहे की कढ़ाई में 400 ग्राम घी डाल देंगे। घी हमारा शुद्ध है, घर का बना हुआ है। घी को हम गर्म कर लेंगे, फिर गैस की फ्लेम को मीडियम कर देंगे। सबसे पहले हम अखरोट को फ्राई करेंगे, इसका हल्का कलर चेंज होने लग जाए तो इसको निकाल लेंगे, ज़्यादा फ्राई नहीं करना है। इसके बाद हम इसमें पिस्ता को डाल देंगे, इसका भी कलर थोड़ा चेंज हो गया है, अब इसको भी हम निकाल लेंगे। अब इसमें मखाने फ्राई कर लेंगे, इनको हम डाल देंगे। जब इनका कलर चेंज होने लग जाए या फिर ये अच्छे से फूल जाए तब इनको हम निकाल लेंगे। अब इसमें हम कटे हुए छुआरे डाल देंगे, इनका भी कलर जब थोड़ा चेंज हो जाए या ये सॉफ्ट हो जाए तब इनको निकाल लेंगे। अब हम इसमें गोंद डाल देंगे, गोंद डालकर फूल जाएगा। ये देखिए गोंद कितना हो गया है, इसका कलर ब्राउन हो गया है, इसको हम निकाल लेंगे। ये देखिए गोंद एकदम दबाने पर बिल्कुल चूरा हो रहा है। अब इसमें काली किशमिश डाल देंगे, ये देखिए डालते ही कितना फूल गया है, इसको निकाल लेंगे। अब इसमें हम अंजीर डाल देंगे, इसको थोड़ी देर चला लेंगे, अब इसका कलर चेंज हो गया है, इसको भी निकाल लेंगे। इसमें अब हम कमरकस डाल देंगे, इसका कलर भी चेंज हो गया है, इसको ज़्यादा भुनना नहीं है, नहीं तो ये कड़वा हो जाएगा। अब हम इसमें सौंफ और अजवाइन था जो, उसको डाल देंगे, इसको थोड़ा चला लेंगे। चलाने के बाद इसमें कद्दू के बीज और खरबूजे के बीज डालेंगे, इनको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इनका कलर थोड़ा चेंज हो गया है। अब हम इसमें बारीक कटे हुए बादाम डाल देंगे, इनको भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और ये गए इसमें बारीक कटे हुए काजू, ये बारीक कटी हुई किशमिश, इनको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इनको थोड़ी देर सभी चीज़ों को भून लेंगे, इन्हें 6 से 7 मिनट के लिए इसी तरह भून लेंगे।
छः से सात मिनट हो गया है, इनका कलर भी चेंज हो गया है। अब हम इसमें डालेंगे पीसी हुई मेथी और काली मिर्च, सफ़ेद मिर्च, सौंठ डाल देंगे, इलायची डाल देंगे, सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। साथ ही हम कद्दूकस किया हुआ नारियल डाल देंगे। अब हम इसको बढ़िया से मिक्स कर लेंगे। हमारे सभी चीज़ें अच्छे से भुन गई हैं, गैस को बंद कर देंगे। इसको एक बर्तन में निकाल लेंगे। सभी ड्राई फ्रूट फ्राई हो गए हैं। जो हमने मखाने गोंद फ्राई किया था उसको भी हम किसी चीज़ से क्रश कर लेंगे। हाथ से दबाने पर भी इसे अच्छे से चूरा हो जा रहा है। आप चाहें तो हाथ से भी कर सकते हैं। ये देखिए, मैंने इसे क्रश कर लिया है। अब हम कढ़ाई को गैस में रखकर इसमें हम आधा किलो से ज़्यादा घी डाल देंगे। घी को गर्म होने देंगे। घी हमारा गर्म हो गया है। अब हम इसमें एक किलो सूजी डाल देंगे। इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इसको कंटिन्यू चलाते हुए सूजी को भून लेंगे। सूजी की क्वांटिटी थोड़ा ज़्यादा है, मैंने इसको दूसरी बड़ी कढ़ाई में डालकर इसको भून रही हूँ। वो कढ़ाई थोड़ी छोटी थी ना, इसलिए इसको मैंने बड़ी कढ़ाई में डाल रखा ताकि भूनने के लिए आसान रहेगा। इसको भूनने में कम से कम 15 से 20 मिनट लगेगा। कढ़ाई थोड़ी मोटी होनी चाहिए, इसमें नीचे से जल लेगा नहीं। पतली कढ़ाई में क्या होता है कि थोड़ा सा कुछ भी बनाओ तो नीचे से एकदम जलने लग जाता है। कंटिन्यू चलाते हुए मुझे 20 से 22 मिनट हो गया है। अब हमारी सूजी का कलर ब्राउन हो गया। सूजी अच्छे से भुन गई है। गैस की फ्लेम को बंद कर देंगे। ये जो हमने अखरोट फ्राई किए थे उनको ऐसे ही हाथों से तोड़ेंगे। थोड़ा इसके छोटे छोटे टुकड़े हो जाए, ऐसे ही हाथ से आसानी से टूट जा रहे हैं। ये हमने पिस्ता को भी चाकू की सहायता से इसको काट लेंगे। एक पिस्ते के 2-3 टुकड़े कर लेंगे। इस तरीके से इनको काट लेंगे। ये देखिए, इसके छोटे छोटे टुकड़े कर लिए हैं। अब हम जो किशमिश फ्राई किए थे उनको भी काट लेंगे। चाकू की सहायता से ऐसे ही 2 टुकड़े करने हैं, ज़्यादा बारीक नहीं काटना है। ये देखिए, इस तरीके से छोटे छोटे टुकड़े काट लिए हैं। हमने जो सूजी भून कर रखी थी उसमें ड्राई फ्रूट डाल देंगे। ये गई काली किशमिश और अंजीर, और ये छुआरे गए, और ये पिस्ता भी डाल दिए, और साथ ही अखरोट भी डाल दिए हैं। ये जो साथ में सभी चीज़ों को भून कर रखा था उसको भी इसमें डाल देंगे। अब हम इसमें डाल देंगे मखाने और गोंद जो क्रश किया हुआ है। अब इसको हम एक बड़े बर्तन में डाल देंगे ताकि मिक्स करने में आसानी होगी। ये डाल दिया है मैंने पराद में। अब इसमें हम पिसी हुई चीनी डाल दूंगी। अब इसको करछी की सहायता से मिक्स कर लेंगे। आप चाहें तो हाथ से भी मिक्स कर सकते हैं। एक किलो सूजी और ये इतने सारे ड्राई फ्रूट को मिक्स करके कम से कम 4 किलो पंजीरी बनके तैयार हुई है। इसको बनाना ज़्यादा टफ नहीं है, आसानी से घर पर बन जाता है। इस तरीके से इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। आप भी इसे घर पर बनाकर देखिएगा, बहुत आसानी से बन जाएगा। और जितना का आप बाज़ार से लेंगे उतने में आपका घर में उससे ज़्यादा क्वांटिटी में बन जाएगा। आप चाहें तो इसके लड्डू भी बनाकर रख सकते हैं, या फिर ऐसे भी रख सकते हैं, जैसे आपको पसंद है। अगर आप लड्डू बना रहे हैं तो जब ये थोड़ा ठंडा हो जाए, हाथ लगाने का हो जाए, तभी इसके लड्डू बनाकर रख लें। जब पूरी तरह ठंडा हो जाएगा तो तब इसके लड्डू नहीं बनेंगे। ये कम से कम 2-3 महीने तक खराब नहीं होता है। तो दोस्तों, रेसिपी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। अच्छे लगे तो वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि हमारी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके।